हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पॉलीगॉन मैटिक कॉइन को लेकर। मैटिक कॉइन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया भी था अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की थी कि यहाँ पर मैटिक कॉइन को किस तरीके से यूज करने वाले बैंक अपनी ट्रांजेक्शन के लिए। और आपने अगर वो न्यूज देखी होगी तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि यहाँ पर मैटिक कॉइन की प्राइस तभी से इंक्रीज होने लगी है। और यहाँ पर इसकी प्राइस कितनी ज्यादा इंक्रीज होने वाली, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैटिक कॉइन का फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया में और मैटिक कॉइन की इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अभी के भी लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। सारी की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। मैं आ चुका हूँ कॉइन मोमो वेबसाइट पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त यहाँ पर इसकी करंट वैल्यू चल रही है 126.12 रुपए। और यहाँ पर इसकी मार्केट कैप चल रही है 17.3% से। इसकी मार्केट रैंक की बात की जाए तो यहाँ पर अभी 18 चल रही है, बहुत जल्दी ये टॉप 10 में आने वाला है। मार्केट कैप की बात की जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। 24 घंटे में ये लो गया था 106 रुपए और हाई गया 127 रुपए, जबकि हाई है 133 रुपए गया, पर यहाँ पे शो रहा 127 गया। 133 क्यों गया वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, कहां पे शो रहा है 133 गया वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। और सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात की जाए तो यहां पर इसकी 66% सर्कुलेटिंग सप्लाई हो चुकी है, ऑल टाइम हाई का और ऑल टाइम लो का, ये भी आप लोगों को पता है ऑलरेडी। मैटिक कॉइन का एक इवेंट है 30 सितंबर को और एक इवेंट है 1 नवंबर को, फिर एक इवेंट है 30 जून 2022 को, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। और मैंने आप लोगों को यहां पर यह चीज भी काफी बार बताई है कि मैटिक कॉइन के भी और भी इवेंट्स आने वाले हैं, जो कि किसी भी यूट्यूबर ने आप लोगों को नहीं बताया होगा कि मैटिक कॉइन के और भी ज्यादा इवेंट्स आने वाले हैं। अभी तक भी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि किसी भी यूट्यूबर ने इन इवेंट्स के बारे में पहले नहीं बताया था आप लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों से पहले ही कहता आ रहा हूँ कि मैटिक कॉइन के यहाँ पर कुछ इवेंट्स आने वाले हैं और बहुत जल्द यहाँ पर ऐड होने वाले। तो देखिए यहाँ पर ऐड भी हो चुके हैं, अभी यहाँ पर 2-3 इवेंट और ऐड हुए थे वो यहाँ पर हो चुके हैं, अभी यहाँ पर 2 इवेंट और ऐड हो चुके हैं वो भी होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इवेंट का नाम है फेवर मैटिक बीएनबी इथेरियम ब्रिज, तो ये यहाँ पर 30 सितंबर को अपने आप को काफी ज्यादा बिल्ड करने वाले क्योंकि फेवर करने वाले मैटिक कॉइन का बीएनबी के रूप में, इथेरियम के रूप में। तो यहाँ पर इस वजह से मैटिक कॉइन की प्राइस 150 से ऊपर ही देखने को मिलेगी, लगभग मेरे हिसाब से लगभग इसकी प्राइस 170 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगी 30 सितंबर तक। और इसके बाद यहाँ पर नवंबर में एक इवेंट है, मतलब कि नेक्स्ट डे ही नेक्स्ट इवेंट है। तो यहाँ पर क्या है, 1 नवंबर 2021 को जो नेक्स्ट इवेंट है वो यहाँ पर है एनएफटी एनवाईसी इवेंट, ये होने वाला है जो कि यहाँ पर चलने वाला है 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी प्राइस हमें काफी ज्यादा अच्छी इंक्रीज होती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितने भी टोकन है या जितने भी कॉइन्स है और उनका यहाँ पर एनएफटी प्लेटफॉर्म आया है, तो हमें यहाँ पर उनकी प्राइस कम से कम 50% तो इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है इस चीज को लेकर और यहाँ पर मैटिक कॉइन की प्राइस 106 रुपए से लेकर 133 रुपए को टच करके आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले वसीर एक्स पर चलकर यहाँ पर इसकी प्राइस कितनी गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी प्राइस 133 रुपए गई थी और अभी इसकी प्राइस चल रही है 130 रुपए। जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त चल रही है इसकी प्राइस 130। और अगर मैटिक कॉइन के मैं टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पर मैटिक कॉइन का नेक्स्ट टारगेट है लगभग 165 से ऊपर का ही है, लगभग यहाँ पर 185 रुपए के आसपास का इसका टारगेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो यहाँ पर टारगेट रहने वाला है 225+ का। ये मैं आपको बता रहा हूँ INR के पेर में, अभी मैं आपको USDT के पेर में भी बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर्स USDT को यहाँ पर फॉलो करते हैं, जो यहाँ पर जो हमारे सब्सक्राइबर्स बाहर रहते हैं जैसे कि पाकिस्तान में या फिर बाहर कंट्री में रहते हैं, तो उनको यहाँ पर INR में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर अभी आपको मैं सब कुछ USDT के पेर में भी बताने वाला हूँ। तो अब हम चलते हैं इनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पर, जहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी अपडेट्स आ रही है। देखो इस वीडियो को मैं यहाँ पर 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। इस पार्ट 1 में मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल्स कवर करने वाला हूँ पॉलीगॉन मैटिक कॉइन, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग यहाँ पर बोर भी हो जाते हो। और सबसे बड़ी बात कि मेरी यहाँ पर तबीयत भी खराब चल रही है, बोला नहीं जा रहा मुझसे, मेरा गला दुख रहा है, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को यहाँ पर 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको आधी इन्फॉर्मेशन तो अभी देने वाला हूँ, आधी दे दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, वो भी यहाँ पर आपको कल तक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक कॉइन कितना चवर कर रहा है, जैसे कि मैं आपसे स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ कि मेरी नजरों में सबसे बेस्ट कॉइन है पॉलीगॉन मैटिक कॉइन और वो यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, सबसे ज्यादा एक्टिवेट है इस चीज को लेकर, यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिवेट है वो यहाँ पर अपने वर्क को लेकर। तो आप यहाँ पर
पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कर ही रहा है किसी न किसी कंपनी के साथ टाइप करके, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस वीडियो में। आप इनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पर आइए और यहाँ पर खुद से देख लीजिए कि ये यहाँ पर क्या वर्क करने वाले हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इनकी जो कोलैबोरेशन हो रही है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आप इनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पर आइए, ये जो यूट्यूब चैनल की लिंक है आप इस पर क्लिक करके इनकी वो वीडियो देख सकते हो जिसमें अपना NFT NYC प्लेटफॉर्म को इन्होंने बताया डिटेल्स में, यहाँ पर सब कुछ बताया। वैसे इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि वही इन्होंने यहाँ पर बताया कि NFT प्लेटफॉर्म पे जो बिल्ट होने वाले हैं, यहाँ पर मैटिक कॉइन बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है और यहाँ पर नई नई कंपनी के साथ ये टाइप कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुल के साथ किया है, यहाँ पर धर्म के साथ किया है, येरा धर्म के साथ। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो काफी ज्यादा अच्छा टाइप किया है कॉइन बेस के साथ हो गया, और यहाँ पर कॉइन स्विच भी इसको प्रमोट कर रहा है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर और वीडियो में दिखाया है। फिर यहाँ पर जी स्टूडियो जो है उसके भी साथ इनका टाइप हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कंपनी के साथ इन्होंने यहाँ पर टाइप किया है। फिर नीचे देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा ये यहाँ पर टाइप कर रहे हैं अपने न्यू कंपनी के साथ, और यहाँ पर इनकी प्राइस पे हमें बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि यहाँ पर बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए टेलीग्राम चैनल का यूज किया जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बैंक का नाम है केशा बैंक, मतलब कि एक छोटा बैंक है, नियो केशा बैंक इसका नाम है। और ये यहाँ पर बाहर कंट्री का बैंक है जो कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन की सिक्योरिटी के लिए यूज करने वाले हैं मैटिक कॉइन का। मतलब कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक में अब इंटरेस्टेड है पॉलीगॉन मैटिक कॉइन को लेकर, वो भी यहाँ पर इसका यूज करने वाले हैं इसकी ट्रांजेक्शन के लिए, बैंक के ट्रांजेक्शनों के लिए ये यहाँ पर यूज होने वाला है। तो इस वजह से मैटिक कॉइन की प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक कॉइन इंडिया की फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक कॉइन को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी कर सकती है, क्योंकि कोविड से रिलेटेड जितना भी डाटा है उसको सिक्योर रखने के लिए यहाँ पर मैटिक कॉइन का यूज किया जा रहा है, मैटिक कॉइन के नेटवर्क का यूज किया जा रहा है। ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आप वो भी बता देता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करने वाली है मैटिक कॉइन को लेकर कुछ बड़ा, क्योंकि यहाँ पर COVID-19 का जो डाटा है उसको सिक्योर करने के लिए, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जो भी यहाँ पर डाटा है उसको यहाँ पर सिक्योर रखने के लिए जो यूज किया जाने वाला है वो मैटिक कॉइन का यूज किया जाने वाला है, और उसमें जो भी खर्च आने वाला है वो सारा का सारा पे होने वाला है मैटिक कॉइन को, मैटिक कॉइन के थ्रू। यहाँ पर जब मैटिक कॉइन में इन्वेस्टमेंट होगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी टोकन की प्राइस कितनी तेजी से इंक्रीज हो सकती है जब भी कोई गवर्नमेंट उस टोकन में इन्वेस्टमेंट करेगी। सो गाइस, ज्यादा बातें ना करते हुए हम इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। अब तो आप लोगों को ये अंदाजा हो ही गया होगा तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने वाली है मैटिक कॉइन में, तो यहाँ पर इसकी प्राइस काफी ज्यादा अच्छी इंक्रीज हो सकती है कि सितंबर के लास्ट तक इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट्स आती है कि सर सितंबर तक इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है दिसंबर, क्योंकि लोगों ने इसको बाय करके रखा है 200 पर, 200 प्लस पर, 190 रुपए के आसपास तक लोगों ने इसको बाय करके रखा है, तो इस वजह से वो यहाँ पर ज्यादा पैनिक में रहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर पैनिक में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है मैटिक कॉइन को लेकर। बाकी जो इन्फॉर्मेशन इसकी बची है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा, मतलब पॉलीगॉन के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें दे दूंगा। सो गाइस, आई होप कि आपको हमारी वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।